मोर पंख की बात। मोर पंख को आप घर में लाते हैं तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी, आपके घर में सब तरह की सुख सुविधाएं आती हैं। लेकिन ये जो मोर पंख आपको लाना है, ये श्री कृष्ण के मुकुट में से मोर पंख निकाल कर लाना है। इंद्रदेव की अगर हम बात करें तो इंद्रदेव का मोर पंख जो है वो उनके सिंहासन पर है, कृष्ण जी के मुकुट पर है। ऋषि मुनि भी मोर पंख को अपने आसपास यूज़ करते थे। गणेश जी की कलम मोर पंख की है। तो यही हमें बताता है हमारा शास्त्र कि मोर पंख बहुत पावरफुल है। समझ लिया पावरफुल है, लेकिन इसको हम कैसे यूज़ करें हमें समझ ही नहीं आता था, लेकिन अब आप समझेंगे और इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी घर में बढ़ाने के लिए किसी ऐसी जगह मोर पंख रखें ताकि आसानी से वो दिखाई दे। इससे घर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है। और फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए मोर पंख को घर के साउथ ईस्ट कोने में दीवार के साथ लगा दें तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, लिक्विड कैश बेटर हो जाएगा। अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और उसको ख़त्म करना है तो क्या करें? तो घर या बेडरूम की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मोर पंख रखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर बहुत मेहनत करने पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो अपनी पॉकेट में या पर्स में या डायरी में मोर पंख रख लें, हिसाब की कॉपी में मोर पंख रख लें और देखें फ़ायदा कैसे नहीं होता। बुक्स में मोर पंख रखें, इससे बच्चों की मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के मेन दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं ऊपर जाते हुए। इसके अलावा भगवान गणेश की छोटी सी फोटो या मूर्ति रखें और उसके आसपास मोर पंख रखते हैं तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं।